मेरे कहने सौगी इस टाइम नेक राम जी है जिन्हों पद्मश्री मिल रहा नेचुरल फार्मिंग का जो प्रमोट करने गठे सर सब तो पहले स्वागत है तू सारा आसर चैनल अंदर और कृषि विभाग की तरफ तुसे इत स्टॉल लगाई रहा इतने बारे में जानकारी दो। ये खास करके यहाँ जितना भी जो ये प्राकृतिक खेती वाला जो कार्यक्रम चल रहा है पिछले 3-4 साल से तो उसके जितना भी हमारे पास जो प्रोड्यूस है उसको यहाँ डिस्प्ले करना और उसका रेसिपी कि खास करके जैसे कोई मिलेट्स है तो उसका कितनी तरह का रेसिपी बनती है तो वो सब हम लोग यहाँ मदद कर रहे हैं यहाँ के ग्रुप को। तो वो एक ट्रेनिंग भी चल रहा है और यहाँ बन रहा है यहाँ कोदरे की चाय बनी, कोदरे का यहाँ पर रोटी बनी है, कोदरे का लड्डू बने हुए हैं, तिल के लड्डू है और ये जो कांगनी है फॉक्सटेल मिलेट उसका यहाँ पर कल खिचड़ी बनी थी, आज जो सांवा है शिव चावल बार्नयार्ड मिलेट उसका आज खीर बनी है। तो इस तरह से हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जो प्राकृतिक हमारे जो अन्न है और परंपरागत जो हमारी खेती रही है और प्राकृतिक जो खेती है रसायन मुक्त खेती उस तरफ भी लोग ध्यान दें, किसी को दूसरी खेती करनी है वो भी करे परंतु जो हमारी परंपरागत जो खेती है उसको भी ना छोड़े और हमारे परंपरागत जैसे अनाज हैं ये सारे मिलेट्स हैं उसको भी लोग स्थान दें क्योंकि ये तो बिना कम पानी के और इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डालें, कोई बीमारी नहीं आती है और ये सेहत के लिए बहुत लाभदायक हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री नेकराम शर्मा कृषि। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।